जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपी बिल्डर की जो स्लाइड बार कंपोनेंट अभी नया आया है उसके बारे में। पहले ही बता दूं कि जो एपी बिल्डर की अभी जो नया स्लाइड बार कंपोनेंट इसमें ऐड किया गया है उससे हम ज़्यादा उम्मीद तो नहीं रख सकते, क्योंकि वो अगर हम मैकारोइड की बात करें तो वो एज ए कोई एक पार्टिकुलर लेआउट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसमें जो भी कंपोनेंट हम ऐड करते हैं उसको हम एज ए स्लाइड बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एपी बिल्डर में वही जो एक सिंपल सा एक्सटेंशन यूज़ करके हम पहले करते थे तो वैसा ही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो स्लाइड बार के लिए भी हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। आप यहाँ से जो स्लाइड बार का कंपोनेंट है वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया हूँ। तो इसमें हम जो ब्लॉक सेक्शन में जाएंगे तो इसमें हमें कुछ इस तरह का कॉम्पोनेंट हमें मिल जाता है। तो ये क्रिएट ए लिस्ट और क्रिएट ए आइकॉन का ये ऑप्शन मिल जाता है, और इसमें जो भी आइकन है वो हमें फॉन्ट रसम का आइकन यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो एज ए स्लाइड बार के अंदर जो भी आप जो बटन है वो आप शो कराना चाहते हैं उसके लिए आप ऐसे एक ही लेवल के अंदर ऐसे कोमा करके आप सेट कर पाएंगे। तो मैंने बटन वन बटन टू ऐसे सेट किया। तो मैंने पहले ट्राई किया था कि एज ए में मैके लिस्ट करके अलग अलग करके सेट करूँ। तो मैंने जब पहली बार ट्राई किया था तो मैंने इस तरह से ट्राई किया तो वो नहीं होता है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा। तो जो चीज़ है आप एक ही लेवल के अंदर जैसे सीरियल वाइज आप जो भी बटन रखना चाहते हैं वो रख पाएंगे, और जो इसका आइकन है वो फॉन्ट रसम का आइकन इसमें लगता है। जो भी इसका कोड होता है ये फॉन्ट रसम का वेबसाइट पे आपको इसका जो आइकन वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, वही आइकन का कोड यहाँ पे डालना है। तो पहले अगर हम कहीं लेबल में या कहीं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर फॉन्ट रसम की जो आइकन है वो सब कराने के लिए हमें यहाँ से कनेक्टिविटी से एक वेब का कंपोनेंट लेना पड़ता है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ से हमें इस कंपोनेंट को यूज़ करना पड़ता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे ऐसे करते थे, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इसका जो कोड यहाँ पे शो होगा, जितना भी यहाँ पे कोड है उन सभी कोड को एज ए कॉपी करके आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ इसे आपको कोमा कट के जाना है, जितना भी आप इसमें ऐड करेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो वही सिंपल प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप जो एपी बिल्डर में जो स्लाइड बार को एज ए टेस्ट करके देख पाएंगे। तो इसमें आप जो आपकी जो इमेज है वो आप यहाँ पे लगा पाएंगे। मैंने यहाँ पे इमेज को अपलोड कर दिया है, तो ज़्यादा खास तो इसमें कुछ है नहीं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्लाइड बार को लेके जो भी डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।